पिछले साल जानवरों के बारे में टॉक देने मैं कॉलेज गया, तो टॉक के बाद एक छात्रा मेरे पास आई। उसने कहा, सर मैं भी बहुत एनिमल लवर हूँ। तो मैंने उससे तपाक से पूछ लिया, जी मैंने कहा किस तरह की एनिमल लवर हैं आप? क्योंकि हमारे देश में जब लोग कहते हैं ना कि आई लव डॉग्स या आई लव चिकन, तो इन दोनों का बड़ा अलग अलग मतलब होता है। तो मेरी बात समझ गई। तो वो कहती है, नहीं नहीं सर, मैं तो नहीं चाहती कि किसी भी जानवर को मेरी वजह से दुख पहुँचे, चाहे वो कुत्ता हो, बकरा हो, मुर्गा हो, तो मैं तो इसीलिए बचपन से वेजिटेरियन हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। फिर उसने बड़ी एक अजीब सी बात की, उसने कहा, सर 2 साल हुए मैं वीगनिश हो गई हूँ। मैंने कहा, देखिए वीगन तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जानवरों से बना कोई भी हम उत्पाद नहीं लेंगे, और ज़्यादातर दूध के लिए इन्हें जाना चाहता है कि भाई हम ना दूध पियेंगे ना पनीर खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि गाय को हर साल सुई लगा के प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके बछड़ों को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, बूढ़ी गाय भी सड़क पर मरती है, और हम इस क्रूरता में भागीदारी नहीं चाहते, तो हम भाई वीगन हैं। तो ये वीगनिश क्या होता है? उसने कहा, सर देखिए सिद्धांत में मैं वीगन होने से अग्री करती हूँ, पर मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं साल में 3 बारी हॉस्टल से घर जाती हूँ। अब मेरी माँ जो है 77 साल की हैं, तो कभी वो प्यार प्यार में खीर बना देंगी, या घर में खाना बनता है सबके लिए तो दाल में घी भी पड़ता है, पनीर की सब्ज़ी भी बनती है, तो मैं उन्हें तंग नहीं करती, मैं वो जो बनाती हैं खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं खुद को वीगन तो नहीं कह सकती, मैं अपने आप को वीगनिश कहती हूँ। क्योंकि जब मैं कॉलेज वापस आती हूँ तो मैं कभी भी ना दूध लेती हूँ, ना पिज्ज़ा लेती हूँ, ना पनीर लेती हूँ, वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, देखिए उसने अपनी माँ का भाई मान रखा, और उसने अपने सिद्धांतों को भी नहीं छोड़ा, और उसने एक बीच का रास्ता अपनाया और वो वीगनिश हो गई। अब है क्या कि अब हम एनिमल रेस्क्यू करते हैं, हमारा एक एनिमल लवर्स का सर्कल सा है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें गाय भी बहुत पसंद है, उन्हें गाय के साथ जो उत्पीड़न होता है उसकी भी पूरी समझ है। पर है क्या कि अब उन्हें आदत है कुछ चीज़ों की। जैसे मेरे एक मित्र हैं, उन्हें सुबह उठते ही दूध वाली चाय चाहिए ही चाहिए। मेरा एक दोस्त है, वो कॉरपोरेट में काम करता है दिल्ली में, तो उनकी पार्टीज़ होती हैं हर हफ्ते, वो पिज़्ज़ा खाता ही खाता है वहाँ पे। भाई पार्टी में सबके साथ उठना बैठना पड़ता है, नहीं तो प्रमोशन वगैरह रुक जाती है। पर समस्या पता है क्या है कि वो ना छूट ले लेते हैं। वो कहते हैं, भाई हम वीगन तो हैं नहीं, क्योंकि हमें दूध वाली चाय चाहिए ही चाहिए, हम वीगन तो है नहीं, हमें पिज़्ज़ा खाना पड़ता है हर हफ्ते। तो फिर पूरा हफ्ता ही चीज़ें चलती हैं, वो चमचम भी खाएंगे, वो रसगुल्ले भी खाएंगे, वो घी भी खा जाएंगे, फिर सभी कुछ चल जाता है। तो मैंने कहा, यार देखो, अगर आप पूरी की पूरी 100 गाय की मदद नहीं कर सकते ना, आप 100% वीगन नहीं हो सकते, तो आप 50% हो जाइए, आप 20% हो जाइए। 100 की नहीं तो 50 की, 20 की होगी ना, पूरी ना सही अधूरी मदद तो होगी। आप वीगन नहीं हो सकते तो वीगनिश हो जाइए।